और यदि सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दी जाएं तो क्या आपको आरक्षण मिलेगा? क्या ये जितने लोग यहां बैठे हैं और जो हमारे आगे चुने जाने वाले यहां रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, इनकी जानकारी के लिए भी मैं बता रहा हूं, हमें आरक्षण नहीं मिलेगा यदि सभी चीजें को गवर्नमेंट ने प्राइवेट कर दिया। तो जितने भी हमारे पार्लियामेंट में जाने वाले लोग हैं, हम सबसे ये फोक बजा के कहें कि आपको हमारी आवाज को उठाना है। और क्या कहना है गवर्नमेंट से? पहली बात तो ये कि किसी भी चीज को प्राइवेट ना किया जाए, गवर्नमेंट की चीज को प्राइवेट ना किया जाए। और यदि प्राइवेट आप करना ही चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में हम लोगों को आरक्षण देना चाहिए। क्या ये बात सही है? यदि ये सही है तो सब लोग हाथ उठा दें, ताकि और आप लोगों को भी संघर्ष के लिए इसके लिए तैयार रहना है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था, संदेश देना चाहता था, वो ये है कि जो लोग बौद्ध बनेंगे या जो लोग बौद्ध बन गए हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था है। ये जियो निकला है 1990 का और सभी को इसकी जानकारी आप दे सकते हो। कोई ये ना सोचे कि हम बौद्ध बनेंगे तो हमें आरक्षण नहीं मिलेगा। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूं। मैंने इतना ही समय मांगा था, मुझे बोलना नहीं है। मैं आपको एक बार फिर जयंती की, बाबा साहब की जयंती की मुबारकबाद देता हूं और आप सभी को साधुवाद दे के अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आयोजकों को मैं धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।